नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में समास रचना विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अब बात करते हैं समास विग्रह की। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, और इस नए बने शब्द को ही समस्त पद कहा जाता है। और जब इस समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। तो अब बात करते हैं समास विग्रह की। समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जो सामसिक शब्द पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बनता है उसी उत्तर पद और पूर्व पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे हाथ से लिखा हुआ, तो पूर्व पद हस्त और उत्तर पद लिखित, तो इसका समस्त पद है हस्तलिखित। समास विग्रह था हाथ से लिखा हुआ। ठीक वैसे ही नेक्स्ट में देखेंगे रसोई घर। रसोई घर का जो समास विग्रह रहेगा रसोई के लिए घर। बच्चों, इसमें पूर्व पद रसोई, उत्तर पद घर, और जो के लिए है यह विभक्ति है, कारक की विभक्ति। और जब भी हम कोई समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति उसमें लग जाती है। तो रसोई के लिए घर समास विग्रह है। नील है जो गगन, यानी कि नील गगन समस्त पद है, उसका समास विग्रह रहेगा नील है, नीला है जो गगन। तो पूर्व पद नील और उत्तर पद गगन, और है जो इसके जो है ये विभक्ति शब्द है। आगे देखिए पांच वटों का समूह, ये पंचवटी समस्त पद का विग्रह है। पांच वटों का समूह, इसमें दो पद पूर्व पद है पंच, और वटी जो है ये उत्तर पद, और समूह ये ग्रुप समाहार, ये संख्यावाची शब्दों का ग्रुप, बस इससे हमें पता चलता है। उसके बाद देखिए मृत्यु तक, ये आमरण शब्द का समस्त समास विग्रह है, और वो है मृत्यु तक, इसमें आ पूर्व पद और मरण जो है उत्तर पद। तो बच्चों, अब बात करते हैं समास के भेदों की। समास के छह भेद हैं। नंबर एक अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। नंबर दो तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान होता है। नंबर तीन द्विंदु समास, इसमें दोनों पद समान रूप से होते हैं। और कर्मधारय समास, जिसमें विशेष्य और विशेषण का संगम होता है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। और नंबर छह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं।